Good morning, students. This is Vivekanand from Alpha Plus. Today we shall discuss analysis part from 2019 IIT JAM mathematics paper. देखिए analysis थोड़ा सा tough माना जाता है और बहुत ज़्यादा portion आता है, लेकिन बच्चे डरते भी सबसे ज़्यादा हैं. थोड़ा सा concentrate करेंगे, concepts ठीक रखेंगे तो question आराम से deal हो जाता है. कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है. देखिए present question. Let an be the sequence of real numbers such that a1 given है और an plus 1 given है for all n greater than 1. That means from here we can have a2, a3, a4. अब option थोड़ा सीधे साधे options तो नहीं है भाई, लगता है शायद डील ही करना पड़ेगा. चलिए देख लेते हैं. बिफोर वी गो टू द क्वेश्चन, लुक एट द एक्सप्रेशन an plus 1 इज an plus an square. देखिए इमिजिएटली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिंस an plus 1 इज इक्वल टू an plus an square, दिस एम्प्लाइज ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज ए एन स्क्वायर. भैया स्क्वायर है रियल नंबर का तो हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा. सो फ्रॉम हियर ये तो तुरंत आ गया. सो दिस इम्प्लाइज ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन. ये क्या चीज बताता है नेचर वाइज, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. ये तो इमिजिएटली आपको हासिल हो गया, सीक्वेंस ए एन इज इंक्रीजिंग. लुक एट द पिक्चर बेटा, पहला टर्म ए वन वन है, दिस इज योर वन, दिस इज योर ए वन, और सीक्वेंस ए एन इंक्रीजिंग है. तो जो ए टू ए थ्री ए फोर बनेगा वो वन के लेफ्ट में नहीं बन सकता, वन के राइट में होगा, या तो वन होगा या वन के राइट में होगा. एंड फ्रॉम हियर आप ए टू भी देख सकते हैं. वॉट इज ए टू बच्चे, ऐसे देख लीजिए, ए टू विल बी ए वन प्लस ए वन स्क्वायर. सो दैट मीन्स दिस इज वन प्लस वन, तो ये टू आ गया बच्चे. सो ये ए वन है बेटा, दिस इज ए टू, दिस इज ए थ्री, अकॉर्डिंगली ये सब चलता रहेगा. अच्छा जी, अब जरा ऑप्शन देख लिया जाए. लुक एट द ऑप्शन, चार ऑप्शन में से लास्ट वाला ऑप्शन देखो जरा. What is limit n goes to infinity n? He is saying it should be zero. देखिए बच्चे ये first term one है, second term one से और दूर जा रहा है, third term भी one से दूर, ये तो सब one से भी आगे जा रहे हैं, तो limit zero कैसे होगा? Zero तो left में लाई कर रहे हैं, तो limit cannot be zero. Immediately आपका ये fourth part wrong हो गया, fourth part is wrong. Now अब rest जो parts हैं आपके 1, 2 and 3, भाई इन सब में आपको दो चार terms तो निकाले लेने चाहिए. जैसे यहाँ fourth term पूछ रहे हैं, तो देखिए what is a1? a1 is 1 बच्चे. What is a2 beta? a2 is a1 plus a1 square. So that is 1 plus 1, that means 2. What is a3? a2 plus a2 square. That is 2 plus 4, that means 6. What is a4? a3 plus a3 square. So this is 6 plus 36, that means 42. ये तो immediately आप attempt कर सकते हैं. a4 आ गया आपका 42. Let me try this side. ये कितना आएगा? Also, what is a1? 1 plus a1, 1 plus a2, 1 plus a3. This will be a1 1 hai beta, and this is 1 plus 1, this is 1 plus 2, and this is 1 plus 6. So this is 2 into 3 into 7. So that means this is also 42. Great. Pehla to true ho gaya. Left, right, dono sides match kar rahi hai. Ab hai aapka beta second and third. To second and third mein se zara third option bhi dekh lijiye. थर्ड ऑप्शन भी आप बड़े आराम से डील कर सकते हो. थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि 1/n का सीक्वेंस का जो लिमिट है वो 1 होना चाहिए. थोड़ा सा एनालिसिस, इफ लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/a1 इज 1, दैट मीन्स एज अ सीक्वेंस 1/an गोज टू 1, तो रेसिप्रोकल थ्योरम लगाएंगे, सीक्वेंस an का लिमिट भी 1 ही होना चाहिए. बट फ्रॉम दिस डायग्राम इट इज नॉट पॉसिबल भाई, ऑल द टर्म्स आर गोइंग फार अवे फ्रॉम 1, तो लिमिट तो 1 हो नहीं सकता. सो दैट मीन्स ये आपका थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया. तो अब बताइए ज़रा, अब लास्टली आपका सेकेंड ऑप्शन बचा है. बच्चा कह सकता है कि सर जब पहला करेक्ट है तो फिर सेकेंड को एग्जामिन करने की ज़रूरत ही क्या है. देखो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 का मतलब है MSQ, मल्टीपल सिलेक्ट है, एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, तो ये भी आपको एग्जामिन करना पड़ेगा. वो कैसे एग्जामिन करेंगे वो देख लेते हैं. लास्ट पार्ट एग्जामिन कर रहे हैं, 1/n का लिमिट कितना आएगा. बच्चे सीक्वेंस ए एन बताएंगे कैसा है. सीक्वेंस ए एन, सीक्वेंस ए वन, फिर ए टू, फिर ए थ्री, फिर ए फोर, एंड सो. सो दिस विल बी फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 2, थर्ड टर्म इज 6, देन 42, अगला 42 से ज़्यादा ही आएगा. तो एज अ सीक्वेंस दिस गोज टू इन्फिनिटी, एग्रीड? 1, 2, 6, 42, मच मोर देन 42. एज अ सीक्वेंस तो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो अगर ए एन का लिमिट इन्फिनिटी है तो फिर 1/n का लिमिट कितना होगा बच्चे, ऑब्वियसली 0. सो सेकंड वाला भी करेक्ट है. सो फॉर एनालिसिस क्वेश्चन दिस टाइम ऑफ माइंडसेट इज रिक्वायर्ड.
कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से डील किया जा सकता है, बस आपका थोड़ा कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए और कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। थैंक यू।